हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को राजस्थान गौरव यात्रा के चौथे दिन की शुरुआत त्रिपुरा सिंदूरी मंदिर में दर्शन के साथ की। मुख्यमंत्री मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इसके बाद वह गांगड़ तलाई में एक सभा को संबोधित करने के लिए रवाना हुई। गांगड़ तलाई से मौना डूंगर सड़क के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बागी दौरा में भाजपा का विधायक नहीं होने से विकास कुछ कम हुआ है, लेकिन इस बार भाजपा का विधायक जीतने पर वे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगी। मुख्यमंत्री ने राजस्थान गौरव यात्रा के चौथे दिन बांसवाड़ा जिले के गांगड़ तलाई में आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए प्रदेश के लाभार्थियों का जिक्र किया। इससे पूर्व सभा में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा कि 60 साल केंद्र में सरकार और 50 साल राज्य में शासन करने के बाद भी क्षेत्र की जनता को धोखे में रखा गया, भ्रष्टाचार फैलाकर जनता का कोई फायदा नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को खुली चुनौती दी और कहा कि वे लोग हमसे सवाल पूछते हैं, लेकिन वे आए और खुले मंच पर हमसे सवाल पूछें, मेरा दावा है कि मैं उन्हें निरुत्तर कर दूंगा। इससे पहले सामागढ़ा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लड्डुओं से तोला गया। गढ़ी में सभा के बाद बांसवाड़ा जाते समय सामागढ़ा गांव में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को लड्डुओं से तोला। यहां गायरी समाज व अन्य लोगों के आग्रह पर सीएम रथ से उतरी, जहां उन्हें कार्यकर्ताओं ने लड्डुओं से तोला। इस दौरान पूंजीलाल गायरी सहित लोगों ने उनका स्वागत भी किया। बांसवाड़ा से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।